गाइस सुबह सुबह मैडम आई है क्योंकि जा रही है अब ये गांव इसको देख लो, ये तो ऐसे बन के ही जाएगी, पागल सी बन के जाएगी। पर पागल तो ऐसे जानते हैं, पर ये है ना, मिलने तो आ गई ना आपसे। हाँ, अब इसके जाने के बाद अभी तो ये, अब ये बॉम्बे वाली हो गई। कल को कोई कहेगा कि भाई दिल्ली वाली, अभी ये बॉम्बे वाली हो गई, ये तो आएगी। मैं तो दिल्ली वाली रहूंगी। अभी तो 1 महीने बाद आएगी, शादी करेगी ना तेरी मम्मी, कही होगी दिल्ली में करे, बॉम्बे बेकार है, और करते बॉम्बे में शादी। वापस आएगी अब है या वहीं पे रहेगी? छह महीने के लिए कहाँ, बॉम्बे? अब क्या सर तो हार गए, वो कह रहा मैं शादी करके इसको ले जाऊंगा। तो आने तो दे, देखने झूठी तो भाई लेके जाए तब की बात है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को संडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संडे की कौन देता है यार, मैं दे रही हूँ क्योंकि संडे इज अ हॉलीडे। संडे को घूमिए फिरिए खाइए पिए, हम तो सारे दिन खाते पीते हैं पर संडे को घूमिए फिरिए खाइए पिए, मौज करिए मस्त मस्त सी। और बस अभी हम उठ चुके हैं, और इससे पहले वाली आपने क्लिप देखी मुझे, मेरी हाउस हेल्पर आई थी मेरे से मिलने, क्योंकि उसकी शादी है, वो फाइनली आज गाँव जा रही है, तो मेरे से मिलने आई थी, मिल के वो चली गई। थोड़ा सा इमोशनल लग ही रहा था, तो कुछ जितना रिकॉर्ड कर पाए उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और मैं यहाँ पर सोई थी, बंसल जी को अपनी बीवी बच्चों के बारे में कोई मतलब नहीं है। बंसल जी सोए थे बेड पे, मेरी एक्चुअली बैक पेन हो रही है कुछ दिनों से ना, तो इसलिए मैं आज इसी पे सोई थी। दिखाती हूँ बंसल जी, ये है वो नाटकबाज आदमी जो 2016 में मेरे साथ गठित हुआ था, जो 2016 में मेरे साथ मेरी बेटी गुल्लू मम्मी के घर है। सोनो आपको इतना नहीं पता, गुल्लू मम्मी के घर है। मेरी बेटी को बुला भी। पागल हो गए हो, क्या हो गया? अभी कल रात से बाप की बाप था, अब जागी है। हाँ बेटी है, तो रात, हाँ तो यही तो कोई बात है, तुम मेरी बेटी को बुला। रात को घूमेगी वो, मेरी बेटी को बुला, वो अपने फ्रेंड सर्कल में घूम रही है। फालतू में बोलते, बेटी को बुला तुम्हें। मैं नहीं बुला रही, जल्दी बुला। मैं नहीं बुला रही, मैं अपनी बेटी को मम्मी को दे रही हूँ, मम्मी संभाला करेगी अब उसको। अभी बहुत फूटने वाला है, अभी फूटने वाला है, फूटा। बेटी को बुला ले, ज्यादा इतराते नहीं, वरना बेटी के चक्कर में तेरे को दे दूंगा, तेरी मम्मी को, तेरे को संभालेंगी। वापस दे दोगे मम्मी को? कब दोगे? दे दो बेटी बुला। तुम मेरे को तलाक दे के दोगे, बिना तलाक दिए वापस दोगे? जैसे भी है, चल ठीक है। बेटी आ रही है, बेटी की बाप के बाप था वाली जाग गई तुम्हारी, ज्यादा प्रॉब्लम है तो खुद खड़े होके ले आओ। क्यों लेके गए थे? क्योंकि गुल्लू वहां पे खेलती है, यहाँ पे उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। आप खेल लिया करो, आप मोबाइल में लगे रहते हो, मैं अपना काम करती रहती हूँ, आप अपना काम करते रहते हो, तो जरूरत है बेटी को कोई खेले उसके साथ, टॉयज के साथ वो खेलती नहीं है। बोलो बेटी बुला। यही याद आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है हल्का हल्का बेहोश हो रहे हो और यही याद आ रहा है, बेटी बुला, बेटी बुला। ओहो, गाइस फाइनली मेरी बेटी आ गई है। मम्मा की याद नहीं हो, पारी कर दे मम्मा को, पारी कर दे। देखो मम्मा की बिल्कुल याद नहीं आई आज है, मम्मा की बिल्कुल याद नहीं आती तेरे को? तो नानी के घर जब मर्जी सो जाता है।
इन आ रही है, चल सो जा। फाइनली बड़ी मुश्किल से नकुल जो है वो छोड़ के गया है। बड़ी मुश्किल से? हाँ बड़ी मुश्किल। क्या ट्रैक्टर था? गुल्लू ट्रैक्टर नहीं था, वो ट्रैक्टर था। छोड़ गया बेचारा। वो गुल्लू ट्रैक्टर नहीं था, वो ट्रैक्टर था। छोड़ के नहीं गया, यही है छोड़ के। ट्रैक्टर के ऊपर बिठा के आए, छोड़ के गया। ये रहा एक अरुण गुप्ता पता नहीं करके एक लड़का है, मुझे नहीं पता कौन है, वो तेरा फ्रेंड ही है क्या मुझे नहीं पता भाई। वो बंदा हर वीडियो पे नकुल के लिए कमेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ है। अरुण ही है क्या वो? अच्छा, वो हर वीडियो देखता है, हर वीडियो पे कमेंट आता है कि आजकल नकुल जी का है, नकुल जी का है। और उसने थोड़ी सी जेंटलमैन वाली वो लगा रखी है। अरुण ही है क्या? अरुण हाय। आज सूरज कहीं और से होगा, आज क्या हुआ है मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन जैसी सुबह हुई है मैंने देखा एक चमत्कार। मैंने चमत्कार में क्या देखा? वाओ, आज सोनिका जी ने बीड़ा उठाया भाई साहब। काम वाली इतना गंदा काम करती थी तो सोनिका जी ने तो बहुत सही करा। सोनिका जी इसमें आपका क्या कहना है? मेरे को ये कहना नहीं है, गुस्सा आ रहा है मुझे जब काम करना पड़ता है। जब काम करना पड़ता है तो सोनिया जी को आता है गुस्सा, और गुस्से में देखो वो बाल्टी भी आधी तोड़ चुकी है अपनी, और ये गुल्ला यहाँ पे मजे ले रहा है मम्मी को काम करता देख के खुश हो रहा है। गुल्ला ऐसे खुश होते हैं? कोई ऐसे खुश होते हैं? मैं नहीं है। या ना 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 ने ने ना। तो आप देख रहे हैं आज हमारा घर अलग ही चमक रहा है। ये हमारा चमकने की वजह है मिस सोनिका जी, मिसेस सोनिका जी। तो सोनिका जी आप कुछ कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अरे यार कुछ तो कह दो। इतनी क्या काम कर रही हो तुम? झाड़ू पोछा कौन तुम कर रहे हो? नहीं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। हाँ सही बात है। गुल्ला मदद करने आया अपनी माँ की, लेकिन मना कर दिया गया है। सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन है ये, अकेले ही काम करेंगी। कह रही है कि मेरे को, मैंने भी ऐसे ही, बात नहीं है कि मैंने भी नहीं कहा, मैंने भी सोनिका से कहा था कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो सोनिका ने मना कर दिया। कह रहा है मैं नहीं चाहती कि मेरा पति, नहीं नहीं जो देवता है, तुम्हारा पति देवता है, मेरा पति जो देवता है वो इस तरीके का कोई काम करे। और वैसे भी सोनिका जी कहती है कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ। नहीं सोनिका जी? तो फिर ये देखिए हमारे घर पाए चार सौ रुपये, यानी कि एक नींबू। और देखिए अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है, ये घूम रहा है कूड़ा। तो बेचारी सोनिका जी क्या करे। गुल्लू चला बाहर। गुल्लू नहीं। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद अब सीधा बैठे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए दोपहर के 2 बजे। और मैंने के नहाने के बाद अपना ये सूट पहना है, और गुल्लू मैडम अपना नहा धो के वहाँ पे फ़िलहाल लेटा हुआ है, थोड़ी देर टीवी देख रहा है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल सिटिंग एरिया वो बना दिया है। तो चलिए इन्जॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर एंड चाय ज़बरदस्त, और वो है गुल्लू की सूजी। कहाँ है? ये देखो जबरदस्ती गुल्लू को भेजा जा रहा है। अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा जबरदस्ती है कि नहीं है। मम्मी बाय कर दे। ले जा ले जा ले जा यार, ले जा ले। चल बाय बाय। पता नहीं बेचारी बेटी को क्या हो रहा है उसके साथ। चल मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मुझे 2-4 काम है करोल बाग के, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे वो 2-4 काम करने। गुल्लू को अभी आपने देख ही लिया, मैंने मम्मी के घर भेज दिया है। आई थिंक ग्लास ज़्यादा हो गया, तो मैंने किया है काम,
और मैंने पहना है अपना ये लखनवी सूट, और ये इनकी फ्रेंड का सामान था तो वो देने है, घर की चाबी ले ली। तो चलिए मिलते हैं आपको नीचे। तो गाइस हम आ चुके हैं और अब हम पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? गन्ने का जूस। भैया को पैसे देते हैं और ये वाले भैया जो है ना थोड़ा सा हाइजीनिक बना रहे हैं, अदरवाइज में गन्ने का जूस था हर जगह का पीती नहीं, थोड़ा अनहाइजीनिक टाइप होता है। पीते हैं, डिस्पोजल में लेंगे। तो गाइस गन्ने का जूस जो था बड़ा ही ज़बरदस्त पी रही हूँ। ये 30 रुपये वाला गिलास है, 30 रुपये वाला गिलास पीना बहुत मुश्किल है, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को कोल्ड हुआ है तो और दिक्कत हो रही है मुझे। पर चलो धीरे धीरे मैंने पी लिया। और भैया के पास नींबू रखे हुए थे, इतने छोटे छोटे नींबू थे, भैया कह रहे 300 रुपये किलो नींबू हो गए हैं, तो उनको भी बड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि गन्ने का जूस ऐसा है कि उसके अंदर नींबू डलता ही डलता है, लगाना ही पड़ता है। चलो हो जाएगा सस्ता भी। ये मैं लेने आई हूँ दवाइयाँ, और इसमें मैंने खरीदा है आज गुलू के लिए ब्रश, ये दवाई और दवाइयाँ इतनी महंगी आई हैं, 575 की दवाइयाँ आई हैं, और देख लो कितनी सी दवाइयाँ, 575, हद हो गई।